हरियाणा के पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर लघु सचिवालय में काले बिले लगाकर विकलांगों ने ब्लैक दिवस मनाया। पंचायत राज की संस्थाओं के नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में एमपी संजय भाटिया और ग्रामीण एमएलए महिपाल ढांडा पहुंचे हुए थे। विरोध जाहिर करने और दोनों जनप्रतिनिधियों से मिलने दिव्यांग वहां पहुंचे हुए थे। दिव्यांगजनों का यह आरोप है कि दोनों जनप्रतिनिधियों ने हमेशा की तरह आज भी उनके धरने को अनदेखा कर दिया। हम पानीपत में 240 दिन हो चुके हैं हमारे धरने को, और हमारी मांगे कुछ भी नहीं है। सरकार ने ये मान चुकी थी पहले ही, हमारी सीएम साहब के साथ जब पहली बार सीएम साहब अपने इसमें विधानसभा में खड़े हुए थे तो हमने उनसे बात करी थी, तो अपना ज्ञापन भी दिया था, इनका समर्थन भी किया था रोड धर्मसरा करनाल के अंदर। इनकी जनसभा करवाई थी, विकलांग सभी उपस्थित थे वहाँ, हमारे साथी पूरे पानीपत जिले के और करनाल जिले के। तो इन्होंने कहा था भी आपकी मांगे सारी जायज है और हम इन्हें पूरा करने में पूरा सहयोग करूंगा अगर मैं सीएम बना। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब दो बार सीएम बन चुके हैं, अभी तक उन्होंने हमारी वो मांगे पूरी नहीं की है। उसमें हमारी मांग थी एक तो डीसी रेट की पेंशन, जो विकलांग 100% है या काम धंधा नहीं कर सकता उसकी पेंशन डीसी रेट की होनी चाहिए ताकि अपने परिवार को पूरी तरह पाल सके अच्छी तरह से। और जी जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है विकलांगों का 1995 से खाली पड़ा है, वो बैकलॉग भरा जाए। और हमारा जो 2016 एक्ट बना हुआ है, वैसे तो 1995 से बना है हमारा, लागू नहीं किया तक किसी भी सरकार ने। फिर 2016 में हरियाणा सरकार हमारी और भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया था, तो वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ किसी उसमें। एक तो हमारी ये मांग है कि हमारा ये विकलांग अधिनियम लागू किया जाए जिससे कि विकलांगों का उत्थान हो सके। और जी हमारे कुछ बीपीएल कार्ड हैं, अभी विकलांगों का जो बीपीएल कार्ड हो जाए ज़्यादातर उनको जो मोदी आवास योजना के तहत। इन मांगों को लेकर आप किस किस नेता से मिल चुके हैं, किन अधिकारियों से? इन मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री को भी डायरेक्ट ज्ञापन दे चुके हैं, और अब दो बार पानीपत के अंदर डिप्टी सीएम हरियाणा को दे दुष्यंत चौटाला जी को दे चुके हैं। और इस बाकी ज्यादा हमारे मेरा नाम शमशेर सिंह राणा, सांसद को ही नहीं पता कि क्या मांगे हैं आपके, बता तो है जी लेकिन गुमराह कर रहा है। सांसद जी को करनाल उनके ऑफिस के उद्घाटन के समय उनको करनाल में भी ज्ञापन दिया गया था, और जब वो बिना अनुमति के धरना यहाँ दारू के ठेके का धरना चल रहा था इसमें अपने 25-26 सेक्टर में, तो जब वहाँ बिन बुलाए पहुँच गए थे धरने का समर्थन करने उन लोगों को उठाने के लिए, तो हमारे पास क्यों नहीं आए? उन्होंने हमारे पास भी आना चाहिए था ना, भैया हम आपके भैया आपकी क्या मांग है हमसे पूछना चाहिए था, तो क्यों नहीं पूछा? क्या नाम आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह राणा, मैं प्रधान विकलांग उत्थान समिति और बाकी आज़ाद। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज विकलांग समाज इतना दुखी हो चुका है कि आज विकलांग दिवस होने के बावजूद हमें काला दिवस मनाना पड़ रहा है, और ये कोई शौक नहीं है जी, ये परेशानी है। परेशानी इस वजह से है क्योंकि 246 दिन हो गए हम सरकार के लेकर अपने सामने अपनी छोटी छोटी मांगे लेके बैठे थे, और ये मांगे हमारी आज की नहीं है, ये मांगे हमारी 2016 से चल रही हैं। हम कृष्ण बेदी मंत्री के साथ हमने बार बार मीटिंग करी है, जिस मीटिंग के हमारे पास डिस्पैच नंबर डिस्पैच डायरी वगैरह सब कुछ होया जी, मीटिंग रिकॉर्ड है उनके पास, जिसमें निर्जा शेखर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती थी हमारे साथ में, खुद कृष्ण बेदी जी मंत्री थे समाज कल्याण विभाग के, उसके बाद हम अपने नए मंत्री के पास भी गए हैं मीटिंग के लिए, उसके बाद हम तरह तरह बार बार मीटिंग का को प्रयास करते रहे हैं, जो बार बार मिलते भी रहे हैं। दिनेश शास्त्री जी हमारे जो पूर्व कमिश्नर होते थे उन्होंने हमारी बार बार मीटिंग करवाई है, खट्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, अमरिंदर ओएसडी होया करते जी उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन सरकार का जहाँ तक तालमेल रहा है ना, हर बार इनका एक के सवाल रहा कि भाई मेरे पास कोई आया नहीं, हमारे तक कोई मिला नहीं। अगर सरकार का यह सवाल है भाई मारे तो कोई मिला नहीं, तो किस नाम की ये डायरी खोल रखी, डिस्पैच डायरी, किस नाम के ये रजिस्टर काले करे जाओ हैं, पैड का बगा दे सब जब रिकॉर्ड नहीं रख दे। तुम सांसद साहब से मिले थे आप? भाई साहब सांसद साहब की सुन लो, मैं अपने सच्चाई बता रहा हूँ, जब सरकार बनते पहला कट्टर साहब हाथ जोड़ करने का भाई मेरे तो वोट दियो, मेरी सरकार आओगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तारा काम प्राथमिकता पर करूँगा। हमने खट्टर साहब का सहारा लाया, सांसद भाटिया जब नूका भाई मैं चुनाव लड़ूँ एमपी में सारा लाइयो, सारे विकलांग इकट्ठे होकर वोट दे हैं सारा लाओ हैं, फिर यूनू का मिलते मिलते नहीं। हाँ भाई इनमें तो नहीं पूछो, बताओ सारे भाई समझदार हो, सारे 90 तो एमएलए भाई सरकार के,
और वह इधर सी एम पी, फिर ये विकलांग रोना ही शुरू कर देंगे घर आ जा रोन लग जाए, फिर ठीक रहेगी बात है यार। घर के बड़े आदमी तो कहेंगे बालक की कच्ची पैटरी हो, बाप ने तो कहा पापा मेरी कच्ची ले आइए, आखो सारे गाँव में अगर आंदा भी रहेगा मेरी कच्ची पैटरी मैंने दुआ दो। जब हमने भाई मुख्यमंत्री से कह दी, सांसद साहब तो नारा कहने की बात रहेगी थी, या तो सांसद साहब प्रूफ कर दो भाई मैं बीजेपी का कोना, हम सांसद साहब दो रही चले जाऊँगे। जब इन्हें ऑफिस खोलिया करनाल में, हम ऑफिस पर गए, ऑफिस पर मिले, इन्होंने कहा था भाई थारा स्वागत है, तुमने मेरे टोटे में काम आ रहे हो, थारी मैं हर बात पूरी करूँगा। आज सांसद साहब ने आपके सामने एक सवाल उठा दिया, भाई मेरे पास तो आए नहीं, अब एक बात बताओ जी, सांसद साहब 24 घंटे ऑफिस पर नहीं रहते, इन्हें तो मांगों के बारे में भी नहीं पता। भाई साहब हम गए हैं ऑफिस पर, ऑफिस पर हम गए हैं दो बार गए हैं, और सुबह 6 बजे गए थे भाई साहब, 8 बजे वापस आए थे वहाँ से, हमें पता लगा सांसद साहब हिमाचल जा रहे हैं। बताओ भाई साहब हमारा क्या खोट है, अगर इनके ऑफिस के कार्यकर्ता इनको नहीं बताते अग जी ऑफिस पर कौन आया कौन गया, तो बताओ जी विकलांग कहाँ तक जाओगा। हम तो भाई साहब बाथरूम करने जाना वहाँ तक भी मजबूर हैं, घिसर के जाना पड़े है। सांसद साहब तो सक्षम है चलने में, सरकार तो चल सकती है। हम डीसी ऑफिस के सामने बैठे 246 दिन हो गए, डीसी साहब नहीं मिले यार आज तक, सांसद साहब खुद यहाँ ऑफिस ले रहे हैं वो नहीं मिले, भाई चेयरमैन नहीं मिला कोई मरते, पार्षद नहीं मिला मरे थे कोई, के कम है यार। इब तो भाई वो है गरीब के बालक से जो कर कहेंगे भाई हाथ जोड़ के मान लेंगे, भाई सारे तो दे रखे मांग पत्र, सारे तो कह रखी है भाई किसी ने को रह मानदा तो कर लियो, ना तो भाई 2 साल है कोई आने वाला फिर करेगा। वैसे सांसद भाटिया के सांसद बनने के बाद उनसे आप एक बार मिले हो करनाल? भाटिया साहब के सांसद बनने के बाद करनाल में जब इन्होंने ऑफिस ओपन कराया, जब हम वहाँ गए थे, उसके बावजूद जब वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम पानीपत गए हैं, पानीपत में इनका मॉडल टाउन के अंदर ऑफिस है पार्क के पास, हम वहाँ गए थे, उस ऑफिस पे भी हमने मिलने की कोशिश करी, लेकिन 2 चक्कर लगाने के बाद हम वहाँ मिल नहीं पाए। अब वहाँ पे अगर इनके पास मैसेज नहीं पहुँचा तो उसके लिए भाटिया साहब तक माफ़ी चाहेंगे, हालांकि गलती उनके स्टाफ की है हमारी नहीं, फिर भी विनम्रतापूर्वक हम भाटिया साहब तो यह रिक्वेस्ट करें, भाटिया साहब सुबह का बोला अगर शाम में घर आ जाए तो उन्हें बोला नहीं क्या करते, संभाल लो हम भी आपके बालक। मेरा नाम आजाद सिंह है जी, विकलांग उत्थान समिति, और आप इसमें सेवा कर रहे हैं जी, तो थोड़ा। प्रदेश भर में विकलांग बीते 246 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कई बार अपनी मांगों को लेकर नेताओं और मंत्रियों तक को ज्ञापन दिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, उनकी मांगों पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया। वहीं करनाल लोकसभा MP संजय भाटिया ने अनदेखा करने की बात पर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये विकलांग धरने पर क्यों बैठे हैं। धरने पर बैठे इनकी क्या है, इनका मामला क्या चीज है, इनके 15 सूत्रीय मांग, एक हाँ बताइए क्या क्या है, आप बताइए। कई मांगे हैं सर, इनकी मांगों को लेकर ये कई पिछले कई सर कई मांगे हैं, आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, टोटली तो हम भी नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कोई यही बता दें क्या मांग है। आप सुनो सर, सुनो ये अभी बैठ गए यहाँ, अब अभी बैठे, इनका राइट है बैठना, कहीं मेरे को पहले कहीं ये बता दें, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इनका आ जाए कि हमारी ये मांग है, उसके ऊपर विचार करके डिस्कशन करके टेबल के ऊपर बैठ के जो कहेंगे उसको करेंगे। अगर अब ये देना ही नहीं चाहते तो उसका तो क्या सर, किसको देखा ये, किसको देखा, चलो मैं एक कॉपी मुझे आप सेंड कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप से मुझे सेंड कर दीजिए, और कौन बात करेगा इनकी तरफ से उसका नाम भेज दीजिए, मैं खुद उसको फोन कर दूंगा। दूसरी ओर विकलांगों का कहना है कि वे 2 बार सांसद संजय भाटिया को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, उनकी मांगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पानीपत से रवि सूद की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर, इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे सबसे पहले।